नमस्कार दोस्तों, मैं बीनू जायसवाल, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ साउथ इंडिया की एक बहुत ही फेमस डिश पनीर 65। तो चलिए पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो लिया है मैंने ये 500 ग्राम पनीर, जिसे मैंने टुकड़ों में काट लिया है, साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग काट सकती हैं। और ये लिया मैंने चावल काटा जो 100 ग्राम है, 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च है, और करी लीफ है जिसे मैंने महीन महीन काट लिया है, और महीन लहसुन मैंने काट लिया है 2 टेबल स्पून, और ये लाल मिर्च कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और ये मैंने पिंक सॉल्ट लिया है, और दही लिया मैंने 2 टेबल स्पून, और रेड चिली सॉस है, ब्लैक पेपर, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, चिली फ्लेक्स लिया है मैंने थोड़ा सा, और ये मैंने हरी मिर्च ली है जो मैंने स्लिट करके काट ली है हाफ टुकड़ों में, और कुछ करी लीव्स लिए हैं। तो आइए चलिए पहले हम पनीर की कोटिंग तैयार करते हैं। तो हमने लिया है एक बोल, और इसमें हम डालेंगे अभी चावल का आटा जो 100 ग्राम लिया है मैंने, और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून और कॉर्न स्टार्च। तो अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, और ये करी लीव्स भी डाल देंगे इसमें, और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून काली मिर्च, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो तीखी कम है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालूँगी, और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकती हैं कम या ज़्यादा, और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसे मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक घोल बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से कुछ घोल बन गया है, हम बहुत पतला नहीं करेंगे, कोटिंग लग करनी है पनीर की तो ठीक ही बनेगा ये घोल। और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच दही, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप नींबू भी डाल सकती हैं खटास के लिए, मैंने थोड़ा सा दही डाला है, और अब इसमें हम पनीर को मिक्स करेंगे। तो हम ये पनीर को इस तरह से इसमें मिक्स करेंगे, और हल्के हाथों से कोटिंग लगाएंगे इस पर। तो इस तरह से कोटिंग लग चुकी है, इसे हम 5 मिनट के लिए साइड में रखेंगे, और तब तक मैं तेल गरम कर लेती हूँ। तो ये तेल मैंने फुल फ्लेम पे गरम कर लिया है, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकती हैं, और वैसे तो ये साउथ इंडियन डिश है तो नारियल के तेल में बनती है, लेकिन मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया है, और एक एक पनीर करके इस तरह से कोटिंग, और इसको मैं इस तरह से डालूँगी फ्राई होने के लिए। पनीर को तल करके इस तरह गोल्डन ब्राउन कर लिया है मैंने, और अब इसे मैं इस तरह से जैसे पेपर पर निकालूंगी। इसे डबल फ्राई नहीं करना है, एक बार फ्राई करके, और इसे मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये पनीर तल के मैंने ले लिया है, और आगे मैंने लिया है एक लोहे की कढ़ाई, और ये फुल फ्लेम पे गर्म हो रहा है तेल, मैंने 2 चम्मच इसमें ऑयल लिया है, और अब आगे चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो एक खाली बोल मैंने लिया है, और इसमें एक कटोरी में दही डालूंगी, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, और इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकती हैं इसमें, और ये मैं इस तरह से इसको फेंट लूंगी अच्छी तरह से, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे हम।
तो कुछ इस तरह से घोल तैयार हो गया है। तेल पूरा गर्म है और मैं इसमें डालूंगी अब कटा हुआ लहसुन। करी लीव और ये स्लिट हुई हरी मिर्च। तो 30 सेकेंड हो चुके हैं और लहसुन पक गया है और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ये रेड चिली सॉस और इसमें डालेंगे जो हमने तैयार किया है दही और कॉर्न स्टार्च और लाल मिर्च का जो घोल मैंने बनाया है वो मैं डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम इसमें। और इस समय मैं डालूंगी ये चिली फ्लेक, तो आप अपने अकॉर्डिंग तीखा डाल सकती हैं थोड़ा कम। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। तो ये 30 सेकेंड हो गया है मुझे इस तरह पकाते हुए और इसमें एक बुलबुले आ रहे हैं, अच्छा सा उबाल आ गया है और अब इसमें मैं पनीर ऐड करूंगी। तो इसे अच्छे से कोटिंग करेंगे हम और फ्लेम हम बंद कर देंगे। अब तो ये कोटिंग हो चुकी है पनीर की, इस तरह फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और इसे मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए बन गई है बहुत ही स्पाइसी पनीर 65 और आप भी बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ खाइए और शेयर करिए मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।